वेलकम बैक नाजरीन। और मजीद भी सारे मौजूद पर जी बात करूंगी मैं आज। और जैसे अभी जैसे पीएमएल और पीटीआई से हम बात कर रहे थे और दोनों का मौके भी आ गया, और जैसे मैंने आज कहा कि आज तो खान साहब से भी मुलाकात हुई है मेरी, और बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिट के साथ। स्टिल ही इज ऑन हिज स्टांस, और जेल भरो तहरीक के हवाले से भी बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू इट, मैं जरा मेहमानों को भी अपने खुश आमदेद कहती हूँ जी। मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं इस सेगमेंट में जी, मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले जी जुल्फिकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। थैंक यू सो वेरी मच। दूसरा जी शाखावर साहब हैं और सीनियर कानूनी माहिर भी हैं। आप खुश आमदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शाखावर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शाखावर साहब, आप सवाल करूंगी बहुत इम्पोर्टेंट, और वो ये कि जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, खास तौर पे जो साहब से रिलेटेड केसेस रहे हैं। पहले हम देख रहे थे और बार बार सुन रहे थे जी कि फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मुतवक्के है। उस केस के किस तरह से फिर जो पूरे से वो खुल के सामने आ गए। फिर सुन रहे थे तोशाखाना में लेकिन हुकूमत खुद ही गिर गई जब लाहौर हाई कोर्ट ने सारे शुरू से चीजें मंगवा दी। तो सारी पार्टी और सारे माजी की हुकूमतें जो है वो उनमें जो रही है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज अप हो गया। अब एक और केस है जो टैरन वाला, जो खान साहब की बेमुबैना तौर पे जो कहा जाता है जी की बेटी है उनके हवाले से, और उस समय में जी आज लाहौर में जी वो जिस तरह से हाई कोर्ट में ये कि जी लार्जर बेंच बना दिया गया है और इस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है और ये सारी बातें चल रही है, क्या आईनी एस्पेक्ट्स हैं उसके? आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है खान साहब पे लटक रही इन तीनों केसेस के अंदर, फर्दन फर्दन बार बार हम सुनते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि इनमें से किसी भी केस में खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए और उनको उसी तरह से आउट किया जाए सारे सिस्टम और सियासत से, जैसे कि साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को 2018 में पैनामा में किया गया था? जी रिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आपने जो है वो तीन मेन क्वेश्चंस किए हैं, एक फॉरेन फंडिंग जी केस जी के हवाले से जी तोशाखाना, और दूसरा टेरियन का जो केस है। जी बिल्कुल टेरियन का जी। जहां तक के फॉरेन फंडिंग का केस है, वो बेसिकली उसका जो है फॉरेन फंडिंग एक इस्तलाह है, लेकिन वो प्रोहिबिटेड फंड्स का केस है। प्रोहिबिटेड तो जी जी बिल्कुल उसमें आपको आपको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी जो बनी थी उनके प्रोहिबिटेड फंड्स के सिलसिले में, उनकी रिकमेंडेशंस को उन्होंने फिर इंडोर्स किया और एक डिटर्मिनेशन, एक फैसला दे दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ फंड्स जो हैं वो ऐसे थे जिनको कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रोहिबिटेड हैं, और जब प्रोहिबिटेड फंड्स डिक्लेयर हो जाएं तो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक शो कॉज नोटिस देती है, इजहार वजू का नोटिस, कि क्यों ना ये जो पोर्शन ऑफ फंड है इसको क्यों ना जब्त कर लिया जाए। तो उस जो इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था जिसमें उन्होंने शो कॉज दिया है पीटीआई को, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें एक तीन रुकनी बेंच ने 2-3 दिन पहले उसमें फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पीटीआई की पिटिशन है ये अभी प्री मेच्योर है, आप पहले जाए और अपने जितने भी कानूनी और बाकियाती एतराजात हैं वो पहले आप इलेक्शन कमीशन को शो कॉज के जवाब में दे दें। अगर उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पे कानूनी गलती की है, तो फिर आप दोबारा हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो अब तो वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है कि उन्होंने, और पीटीआई ने जो उसमें शो कॉज का जवाब देना है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन जो डिटरमिन करेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट ये होगा कि वो जो मुबैना जो प्रोहिबिटेड जो फंड्स हैं वो जब्त हो जाएंगे। उसके अलावा ऐसा जो उस पर कोई इतनी ज्यादा जो है कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो सकते। दूसरी चीज जो है तोशाखाना वाला थोड़ा सा जरा ट्रिकी है, क्योंकि तोशाखाना में भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनपे कुछ जो एक करप्ट प्रैक्टिसेस का जो एक एलिगेशन है वो उनपे डिटरमिन कर दिया है, और फिर उसको एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में भी भेज दिया है, जिसमें आज तारीख पेशी मुकर्रर थी, जिसमें इमरान खान साहब को बुलाया हुआ था और उनपे फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अब वो किसी वजह से मुअख्खर हो गई है, गालबन 21 फरवरी तक वो चली गई है। तो ये जो तोशाखाना वाला है ये थोड़ा सा सीरियस इशू है इसके जो है, अगर 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 तो उनको खुदा न खास्ता सजा हो जाती है तो फिर
उन पे नाअहलियत जो है वो 5 साल के लिए तो बिल्कुल हो जाएगी, उसमें इम्कानात मौजूद है। तो इसमें तो तीसरा जहां सॉरी तक टू कट यू पेरियान का केस है, सॉरी टू कट यू शोकावर साहब, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो, तो वो तो फिर सारों के रिकॉर्ड्स फिर मंगवा लिए ना लाहौर हाई कोर्ट में इसके हवाले से, जो माजी से जितने भी हैं, फिर तो सारे ही इस मामले में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। देखिए वो तो जनरली तो हाई कोर्ट ने मंगवा लिए हैं कि आज तक तोशाखाना में किस किस ने, लेकिन ये जो एलिगेशन है थोड़े से ये स्पेसिफिकली है, क्यों अगर आप हर एक को फिर स्पेसिफिकली देखेंगे ना कि किसके खिलाफ क्या एलिगेशन है, क्या किसी ने तोशाखाना से इनसे पहले भी जो सरबराह मुमलकत थे या जो ये डिग्निटरीज थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या वायलेशन की है तोशाखाना के रूल्स की या लॉ की, तो जिस जिसने की होगी तो यकीनन ही और शी विल फेस द म्यूजिक, वो तो कानूनी म्यूजिक फेस करना पड़ेगा उनको। लेकिन ये चूंकि इमरान खान साहब के हवाले से स्पेसिफिकली था और उनका जो है वो एडिशनल सेशन जज को क्रिमिनल साइड पे भी भेज दिया गया है और उनको फिर नाअहल भी करार दे दिया था अपनी आबाई सीट से, तो फिर मैं ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। लेकिन उससे भी सीरियस इशू जो है वो टेरियान वाला है, उस पे सीरियसनेस पहली दफा देखने में आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पे भी एक लार्जर बेंच बना दिया है और वो उसकी समाप्त जो है वो शुरू करेगा, और उन्होंने स्पेसिफिकली एक सवालनामा भेजा है इमरान खान साहब को टेरियान के हवाले से, जो कि टेक्निकली उसको रेजिस्ट किया जा रहा है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को या उनके दायरे अख्तियार को, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोई ऐसा आएगा तो वो मुश्किल पेश आ सकती है इमरान खान साहब को। ठीक हो गया ज़ुल्फ़िकार अली जी। हेलो जी 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 आवाज आ रही है आपको शाखावर साहब? जी जी मुझे आ रही है जी। जी दोबारा कहिएगा आपने क्या कहा था, थोड़ी सी लाइन डिस्टॉर्शन हुई थी। जी जी ये एंड में जो मैंने कहा था जी जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो टेरियान वाला इशू है ये चूंकि उन्होंने अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक खास स्पेसिफिक क्वेश्चन रेज कर दिया है, एक क्वेश्चन एयर भी दिया हुआ है कि आप इसका जवाब दें, तो उसके जवाब देने की सूरत में हर दो सूरत में जो है वो उसमें कानूनी पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इमरान खान साहब को, तो वो भी वो एक सीरियस नोयत का जो है वो केस है उनके ऊपर, और अगर वो भी उनकी पिटिशन अगर कामयाब हो जाती है तो फिर तो आर्टिकल 62-63 जो है वो तो फिर यहाँ पे भी लागू हो जाएगा, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ जो है एक गलत बयानी करने के ऊपर उनको जो है वो नाअहल करार दे दिया था ताउमर, तो इसके इसके जो है वो खतरात जो है वो इमरान खान साहब के यकीनन है। ओके जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जुल्फिकार अली बदर साहब सवाल आपसे बहुत सिंपल स्ट्रेट है, एक आवाज जो कि हर तरफ से आ रही है कि जी इस वक्त जो हमारे यहाँ हालात खराब है दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें अफगानिस्तान के साथ जो मुबैना तौर पे मुमकिन तौर पे और यकीनी बल्कि इनफैक्ट कह दूं अगर तो वो भी गलत नहीं होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कुछ ये कि जी हालात हमारे इसलिए खराब है जो इस वक्त तालिबान हुकूमत वहां पे जो हालात और सारे इस सारी सिचुएशन में वजीर खारजा पाकिस्तान के, चूंकि आप उनके तर्जुमान हैं, आई एम श्योर कि आपको इसके पर्टिकुलर और बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल का जवाब आप देंगे, राइट लेफ्ट नहीं जाएंगे। सो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे कि जी जो इस वक्त हालात है उसमें उनके उनके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है कि आप हिना रबानी खर को भेज देते हैं अफगानिस्तान, लेकिन वजीर खारजा साहब के पास इतना वक्त नहीं है, आज भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है उनसे, उसमें भी वो ये बात कर रहे थे कि जी वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जाके अमेरिका में, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जहां से दहशतगर्दी का बेसिक आपका बेस सेंटर है वहां पे अफगानिस्तान से जाके आप बैठे और बात करें। सो वजीर खारजा साहब क्यों नहीं जा रहे हैं अफगानिस्तान, क्या हो गया है, वो जाके क्यों नहीं कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन कर लेते वहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा आपने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। ये जो बेसिकली लोग करते हैं ना नौटंकी की सियासत, वो इस तरह के सवाल करते हैं कि जी वजीर खारजा क्यों नहीं गए और वजीर मुमलिकत बराए खारजा क्यों चली गई। भाई वो उनके पास को खेलों का महकमा तो नहीं है हिना रबानी खर के पास, हिना रबानी खर साहबा भी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर है। अगर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अफगानिस्तान चली गई थी तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो की तो उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी है ना, ये बेसिकली क्या है नॉन इश्यूज को इशू बना रहे हैं कि जी वो क्यों चलेगी। पहले कहते थे कोई गया नहीं,
तो जब किसी प्रोग्राम में लोगों ने बताया कि जी हिदा रबानी खान साहबा गई हैं, तो अब पीटीआई वाले हमारे भाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हिदा रबानी खान साहबा क्यों गई हैं, बिलावल साहब क्यों नहीं गए, वो क्यों इधर जा। भाई देखे, आपने तो पौने चार साल में पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था, अब अगर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है दुनिया को ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट, तो आपको कोई खुश होना चाहिए यार। आपका मुल्क है, पाकिस्तान के लिए ये आपने करना है, तो ये एक टीम वर्क के तौर पे चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर आपके वेस्टर्न रशिया यूरोपीय यूनियन और दूसरे मुल्कों में जहां जहां वो नहीं जा सक रहे या उनकी किसी और जगह पहले से प्रायर कमिटमेंट है, वहां पे वजीरे मुमलिकत बराए खारजा अमूर चली जाती है, तो इसमें इश्यू क्या है। वो ही आके उन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया, उन्होंने सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्रीफ किया, उन्होंने बताया कि मेरी ये बातचीत हुई है, मुझे बताएं इसमें इशू क्या है। ये तो नॉन इशू है, इस नॉन इशू के ऊपर इशू बना के इसको डिस्कस करें। और मैं आप जैसी पढ़ी लिखी खातून से ये तवक्को नहीं करूंगा कि आप आइंदा इस तरह का कोई सवाल पब्लिकली टीवी पे करें, क्योंकि ये तो नॉन इशू को इशू बना के टाइम का जया कर रहे हैं। कोई काम की बात करें, को देखें कि कैसे पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे कैसे एपीसी के अंदर, कैसे एपीसी के अंदर तमाम जमातों ने इकट्ठे होना है, कैसे मुल्क के लिए शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है ताकि मसाइल से पाकिस्तान निकल सके। प्रोग्राम सॉरी नो हाउ कुड यू से लाइक दिस। आप मुझे बताइए, आप लोग ये आप लोग को बहुत बड़ा मसला हो गया सियासतदानों का कि आप लोग उठा के जो है ना मुंह उठा के आप लोगों का कोई उसके ऊपर जो है वो आप लोगों की तैयारी नहीं होती और आप लोग एंकर को जो है वो ब्लेम आउट करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताइए, अफगानिस्तान के साथ 2700 किलोमीटर से हम जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आपका क्वेटा में धमाका हो जाता है, आपका पिशावर में हो जाता है, आपका अफगान तालिबान के साथ वहां की गवर्नमेंट के साथ आप एंगेजमेंट नहीं कर पा रहे, फॉरन अफेयर मिनिस्टर नहीं गए हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर आ रहे हैं, लेकिन जहाँ मसला है वहां पे वो उसको हैंडल नहीं कर रहे, तो ये क्या सवाल आपसे बनता नहीं है। नहीं देखिए, मैं ये आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ आप बात नहीं समझ रही, आप सिर्फ इमरान खान की नुमाइंदगी कर रही हैं। मेरी बहन मेरी बात को समझे, हिदा रबानी खान एक खातून है, पाकिस्तान की वजीर खारजा रह चुकी है और वह पाकिस्तान की नुमाइंदगी एज ए वजीर खारजा बराए वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर कर रही थी। आप इस बात को समझे, देखे इसको दिल पे लगाने वाली बात नहीं है, ये तहमुल से यू आर अ एंकर, यू आर अ मीडिएटर, यू आर अ पर्सन हु हैज टू मॉडरेट, नॉट टू बी अ पार्टी टू एनीवन। टू पॉइंट आउट ऑन मी व्हेन आई एम एंकर एंड मीडिएटर टू प्लीज रिस्पेक्ट माय सेल्फ, ऑलराइट, गिव दिस इज योर थिंग टू गिव मी रिस्पेक्ट, दिस इज माय। देखिए आपकी रिस्पेक्ट में तो मैंने कोई कमी की नहीं, मैंने आप जैसी पढ़ी लिखी खातून से ये तवक्को की है कि वो पढ़ा लिखा सवाल करें। थैंक यू सो वेरी मच, दिखे साथ जी, अल्लाह हाफिज।